भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में सियासी पारा गर्म हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी घटना की निंदा करते हुए विष्णुदेव साय सरकार पर निशाना साधा है। दीपक बैज ने कहा कि विष्णुदेव जी थोड़ा संभल जाइए, सत्ता के अहंकार से भरे इस लाठी का हिसाब जल्द होगा। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन लोकतंत्र में विरोध के स्वर को दबाने अंग्रेजी हुकूमत की तरह लाठी बरसाना भाजपा सरकार में समाये डर और तानाशाही रवैये को इंगित करता है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आपकी लाठियों से डरने वाली नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं के शरीर पर पड़े हर लाठी का हिसाब होगा। हमारे भिलाई में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, निश्चित रूप से इसका मैं घोर विरोध करता हूं, घोर निंदा करता हूं। शासन प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपराध को रोकने के बजाय व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस वक्त कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, और आने वाला समय में अगर इसी तरह शासन गुंडाराज स्थापित करती है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी फिर से जन आंदोलन खड़े करेगी। और आज का लाठीचार्ज कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और निंदा करती है।